नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान पर बादलों का नामो निशान तक नहीं और प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल से एक बार फिर बारिशों का दौर शुरू हो रहा है। हालांकि मॉनसून हिमाचल प्रदेश से अब विदा हो चुका है, लेकिन बारिशों का एक बार फिर दो दिनों तक बारिश की संभावना प्रदेश में बनी हुई है। कारण है कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। हाँ, मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के मैदानी मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश के साथ साथ हिमपात की भी संभावना बनी हुई है। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और सुप्रभात और सभी दर्शकों को हमारी सुप्रभात। और इस तरह से प्रदेश का मौसम इस वक्त बना हुआ है। 11 से 14 अक्टूबर तक मौसम फिर एक बार फिर से साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना इस दौरान नहीं है। लेकिन तापमान में भी अब थोड़ी सुबह के वक्त तो लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अब दिन का तापमान भी धीरे धीरे थोड़ा कम होता जा रहा है। अब ऊना का परसों जिस तरह से तापमान था 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, लेकिन कल 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा है और शिमला का जो अधिकतम तापमान है वो 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में अब ठंड बढ़नी शुरू होगी और कुकुम सेरी का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस रहा है। न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट अब प्रदेश में देखने को मिल रही है। कारण है कि अक्टूबर का महीना है, धीरे धीरे अब ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। सितंबर के महीने में तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, प्रदेश के कई शहरों का जो तापमान था वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। तो इस तरह की स्थितियाँ हालांकि अभी भी बनी हुई है। दिन के समय काफ़ी तेज़ धूप हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त अब धीरे धीरे ठंड पड़नी भी शुरू हो गई है। मौसम की एक बार फिर से बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दो दिनों तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कारण है कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है और जो मॉनसून हिमाचल प्रदेश में था अब मॉनसून विदा हो चुका है प्रदेश से। हालांकि संभावनाएं 25 सितंबर तक की व्यक्त की गई थी कि इस बार जो मॉनसून प्रदेश से विदा होगा 25 सितंबर तक होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी हमारे एक नियमित दर्शक हैं जो सुबह के वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं। और पिछले वर्षों के साथ जो मॉनसून की भी तुलना की जाए, इस बार कुछ हमारे पास आंकड़े भी आए हैं कि किस तरह का इस बार मॉनसून हिमाचल प्रदेश में रहा है, तो हम चाहेंगे कि वो जानकारी भी आपके साथ हम साझा करें। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश से जो मॉनसून है, एसके कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, राधे राधे जी। और इस बार जो मॉनसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ है, 6 अक्टूबर को प्रदेश के शेष भागों से भी मॉनसून विदा हो गया था। मॉनसून अपनी समय तिथि यानी 24 सितंबर से 12 दिन देरी से 24 सितंबर को मॉनसून के हिमाचल प्रदेश से विदा होने की संभावना व्यक्त की गई थी कि अनुमान था, पूर्वानुमान जो लगाया गया था कि 24 सितंबर तक मॉनसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो जाएगा, लेकिन उसके 12 दिन बाद यानी 6 अक्टूबर को वापस हिमाचल प्रदेश से मॉनसून वापस हुआ है। और जो ये मॉनसून वापस हिमाचल प्रदेश से वापस हुआ है वो अब लखनऊ, सतना, नागपुर, परभणी, पुणे, अलीबाग से होकर गुजर रहा है और वो मॉनसून की वापसी रेखा है वो वहाँ से अब गुजर रही है। हिमाचल प्रदेश से जो मॉनसून की वो वापसी की रेखा है कि मौसम विभाग ने जिस तरह से बताया है, लखनऊ, सतना, नागपुर, परभणी, पुणे, अलीबाग और से गुजर रही है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की जो सबसे तेज जल्दी वापसी हुई थी वो 2001 में हुई थी, 18 सितंबर को वापसी हुई थी। और वर्ष 2019 में सबसे लेट यानी 11 अक्टूबर को मॉनसून की वापसी हुई थी जो सबसे देरी से रही है।
हिमाचल प्रदेश में वो मानसून के दौरान 886 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो हम पिछले काफ़ी दिनों से बता भी रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। जो सामान्य वर्षा हिमाचल प्रदेश में मानी जाती है वो है 734.4 मिलीमीटर बारिश, लेकिन 31% अधिक रही है। मानसून ने जो हिमाचल प्रदेश में दस्तक दी थी वो 24 जून 2023 को दी थी, और 6 अक्टूबर 2023 को मानसून यहां से वापस हुआ है। वर्षा के प्रदेश में इस बार कई रिकॉर्ड बने भी हैं। 2023 में हिमाचल प्रदेश में 886, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि जिस तरह के आंकड़े हैं, 886 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, 734 सामान्य है, जो सामान्य से 31% अधिक है। और प्रदेश में जो ऐसा नहीं है कि मानसून के दौरान जो बारिशें हुई है या सामान्य से अधिक हुई है, ज़्यादातर मौक़ों पर प्रदेश में सामान्य से कम मानसून की बारिशें पिछले कुछ वर्षों में हुई है। और यह आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे, काफ़ी दिलचस्प आंकड़ा है। वर्ष 2004 में सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में बारिश रिकॉर्ड की गई थी, और सामान्य से 45% कम वर्ष 2004 में बारिश हुई थी। इसी तरह वर्ष 2005 में भी सामान्य से कम बारिश हुई, 27%। वर्ष 2006 में सामान्य से कम 25% बारिश हुई, और फिर वर्ष 2007 में भी सामान्य से कम 25% बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। वर्ष 2008 में सामान्य से कम, हालांकि सामान्य से कम ही बारिश हुई है, 5%, लेकिन उसे सामान्य ही माना गया था। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम हो रहा है, और वर्ष 2009 में भी सामान्य से कम बारिश हुई थी, 34%, और फिर वर्ष 2010 से लेकर 13 तक के बीच में सामान्य ही बारिशें होती रही। फिर 2014 में सामान्य से कम 32% बारिशें कम हुई, और दो हज़ार 16 तक फिर सामान्य बारिश हुई, और उसके बाद 2018 एक ऐसा वर्ष था जहां पर सामान्य से बहुत अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। सामान्य 764 थी उसमें, और बारिश हुई थी 927 मिलीलीटर बारिश को रिकॉर्ड किया गया था। वर्ष 2020 में भी सामान्य से कम बारिशें हुई, फिर 21 और 22 में सामान्य बारिश हुई, और 23 में फिर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। तो यदि पिछले 19 सालों का रिकॉर्ड को देखा जाए तो प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा बारिशें केवल दो ही वर्षों में हुई है, 2018। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। वर्ष 2018 और 23 में ही सामान्य से अधिक बारिशें हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक 886 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, 734.4 सामान्य है, 21% बारिश ज़्यादा हुई है। जब हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक 24 जून को दी थी, 24 जून से लेकर 6 अक्टूबर तक हिमाचल प्रदेश में 832 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, सामान्य थी 672.9, जो सामान्य से 34% अधिक है। 8 से 12 जुलाई, ये बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, 8 से 12 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में पहली त्रासदी 8 से 12 जुलाई के बीच में आई थी, और उस दौरान प्रदेश में बारिशें हुई थी 223.9 मिलीलीटर। 4 दिनों में ही बारिश हिमाचल प्रदेश में हो गई थी, और सामान्य जो बारिश थी वो थी 42.2 सामान्य बारिश मानी जाती है, और जो बारिश हुई थी वो सामान्य से 431% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई। और यही वजह रही कि प्रदेश में इन 4 दिनों के बीच में भारी नुकसान प्रदेश में देखने को मिला, भारी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। और इसी तरह 11 से 14 अगस्त के बीच में भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिशें उस दौरान रिकॉर्ड की गई है, और सामान्य जो बारिश इन 4 दिनों में होनी होती है या आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है 41.7 मिलीलीटर बारिश सामान्य मानी जाती है। और डकरियाना में धूप के लिए मानसिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अपने एरिया की देते रहते हैं, उसके लिए हम उनके धन्यवादी भी है और लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके हम आभारी भी हैं। तो इस तरह से 11 से 14 अगस्त के बीच में हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें हुई है वो हुई है 111.2 मिलीलीटर, जो सामान्य से 167% अधिक है।
इसी तरह 22 से 24 अगस्त के बीच में भी प्रदेश में भारी बारिशें देखने को मिली। 21 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन प्रदेश में हुई 54.4 मिलीमीटर, जो सामान्य से 159% अधिक है। हिमाचल प्रदेश में इस तरह के आंकड़े होने की वजह से ही प्रदेश में इस बार जो भारी बारिशें हुई है और उसकी वजह से ही भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। और पिछले यदि आंकड़े हेतराम कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुबह सुबह हेतराम जी भी हमारे साथ जुड़ते हैं और कमेंट लिखते हैं। हालांकि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में हम जिला वाइज भी आपको जानकारी देंगे कि प्रदेश में किस जिला में कितनी बारिशें हुई है, क्योंकि मौसम विभाग के आंकड़े आए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी उपलब्ध हो कि इस बार का जो मानसून हुआ है और भारी बारिशें प्रदेश में हुई है, क्योंकि वर्ष 2018 में प्रदेश में आज तक 1922 के बाद 2018 में प्रदेश में सबसे अधिक बारिश देखने को मिली थी, 927 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली थी, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था जितना इस बार हुआ है। कारण है कि हिमाचल प्रदेश में जो बारिशों का एक क्रम चला था वो मार्च के महीने से लगातार जारी है और सितंबर तक इस तरह की बारिशें होती रही है। तो इस बार जो बारिशें 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का आंकड़े हैं और देशराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। और आगे जो बारिशें हो रही हैं सर, कल से बारिशों का दौर एक बार फिर से शुरू होगा। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होगी, ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में बारिशें होनी है, कुछ एक क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रियता की वजह से 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की अनुमान है येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट में 25 से 50% बारिश की संभावना होती है, तो 50% नहीं होती है। तो ऐसी इस तरह के आंकड़े हैं, कुछ क्षेत्रों में बारिशें हो सकती है इस दौरान। यह भी जरूरी नहीं कि बारिशें हो, लेकिन मौसम विभाग ने जब कहा है, पूर्वानुमान लगाया है, तो सतर्क रहने की आवश्यकता बनती है, क्योंकि बारिशें हो भी सकती है। और सिकंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। नालागढ़ से जुड़े हुए, नालागढ़ में इस वक्त दिन के समय गर्मी है और सुबह और शाम के वक्त वहाँ का मौसम भी इसी तरह का होगा जैसे पहाड़ों में। पहाड़ों में तो थोड़ी ठंड है, नालागढ़ में थोड़ी कम होगी शायद। बिलासपुर में इस बार 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में 1334 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 63% अधिक है 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में। लाला राजपूत जी जुड़े हैं, गुलाब सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। अजय कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। सुभाष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और कमेंट लिख रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। अजय कश्यप जी गुड मॉर्निंग जी, आपको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और चंबा जिला की बात करें तो चंबा जिला में 902 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 6% अधिक है। हमीरपुर में 1387.9 मिलीमीटर बारिश इस बार हुई है और जो सामान्य से 43% अधिक है। कांगड़ा में 1811 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, मिलीमीटर बारिश जो सामान्य से 12% अधिक है। किन्नौर में 275 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं और सुप्रभात साथ में। किन्नौर में 275 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 11% अधिक है। कुल्लू में 802 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 46% अधिक है। लाहौल स्पीति में 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 41% कम है। सामान्य से कम बारिशें केवल लाहौल स्पीति जिला में ही इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई है। मंडी में 1567 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो सामान्य से 43% अधिक है। शिमला में 1022.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 63% अधिक है। सोलन में, सिरमौर में 1677.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 42% अधिक है। सोलन में 1493.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 71% अधिक है। और ऊना में 1000 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो सामान्य से 5% अधिक है। तो कुल मिलाकर लाहौल स्पीति जिला ही एक ऐसा जिला है जहां पर सामान्य से कम बारिशें हुई है और सोलन जिला एक ऐसा जिला है जहां पर सामान्य से बहुत अधिक बारिशें इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो मौसम में आज के जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो हमने आपको साझा की है। जिस तरह के हमारे पास आंकड़े मौसम विभाग की ओर से आए हैं उन्हें उन्हें हमने आपको
के साथ साझा किया है। और अजय कश्यप जी, हमीरपुर का हमने बताया कि हमीरपुर जिला में इस बार सामान्य से 43% अधिक बारिशें हुई है, और बारिशों की संभावना जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हो सकती है। तो मौसम विभाग ने तो पूरे प्रदेश को लेकर ही येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बारिशें होने की संभावना बनी हुई है। 2 दिनों तक 9 और 10 और टीसी जी गोसजीन हमारे साथ जुड़े हैं। टीसी गोसजीन जी, और उनका हम स्वागत करते हैं, और इस वक्त बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं सुबह के वक्त मौसम की अपडेट में, तो उनका भी हम स्वागत बहुत बहुत करते हैं। और मौसम के में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश में बारिश की संभावना जरूर बनी है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय था अब वो विदा हो चुका है। और हमने बताया कि किस तरह से जो मॉनसून की रेखा है वो अपना लखनऊ से होती हुई नागपुर से गुजर रही है, तो कुल मिलाकर अब उन क्षेत्रों में मॉनसून की बारिशें हो रही होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि दिन के समय थोड़ी गर्मी है, तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त मौसम ठंडक वाला पहाड़ी क्षेत्रों में अब हो चुका है। इस तरह का मौसम है और ग्रामीण क्षेत्रों में घास कटाई का काम चला हुआ है, तो मौसम साफ है तो लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन कृषि को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिशें हुई है, जिससे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है, किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बार सेब का जो उत्पादन है वो आधा हुआ है, और जिस तरह का सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में हुआ है उस तरह से रेट इस बार किसानों को नहीं मिले हैं। और यशपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। और ये लोग, यशपाल जी जिला परिषद काडर के कर्मचारी है, जो लगातार अब पिछले कुछ दिनों से आंदोलन में बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर, जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर बैठे हुए हैं। सरकार के ऊपर भी दबाव बन रहा है, पंचायत प्रधान भी इनके समर्थन में उतरे हुए हैं। जिला परिषद काडर की हड़ताल की वजह से पंचायतों में भी काम प्रभावित हुए हैं, तो हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जिला परिषद काडर की जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द समाधान निकालें, ताकि पंचायतों में जो विकास कार्य रुके पड़े हैं अब दोबारा से शुरू हो सके, पुनर्वास के काम हैं, क्योंकि भारी बारिशों की वजह से प्रदेश में भारी तबाही हुई है और पुनर्वास के जो काम हैं वो पंचायतों के माध्यम से होने हैं। और ये कर्मचारी अब स्ट्राइक पर चले गए तो उसके कारण लोगों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, इस तरह की परिस्थिति पैदा ना हो तो जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए, यह सरकार से हमारा आग्रह है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में जुड़ते हैं और हमारे मनोबल को भी बढ़ाते हैं, उत्साह भी हमारे अंदर संचारित करते हैं, तो इस तरह का प्यार प्रेम और सहयोग आपका हमें भविष्य में भी मिलता रहे, इसकी हम कामना करते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, और थोड़ी देर बाद हम सब्जी टमाटर और सेब के क्या स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में रही है उसकी भी जानकारी लेकर आएंगे, और बाकी बहुत सारी अपडेट आज के दिन है की है तो उसे भी हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।